हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। लंका नरेश रावण स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है। स्वयं आ रहा है? इतनी जल्दी? हाँ प्रभु, उसे मकराक्ष और प्रहस्त की मृत्यु सहन नहीं हुई। इसका अर्थ ये भी है वो अपना संतुलन खो बैठा है। युद्ध में वीरों का इस प्रकार विचलित होना उचित नहीं होता। शत्रु इतनी जल्दी विचलित हो गया है कि उसे अपने परम योद्धाओं के रहते हुए भी स्वयं युद्ध में आना पड़ रहा है। ये आपकी विजय का संकेत है। वीर होने का मान हो, रणभूमि में खड़ा रावण युद्ध की चुनौती दे रहा है। हे कोई? रावण, यहां तो एक से एक बढ़कर वीर ही वीर हैं। तुम जिससे हारना चाहो उसे स्वयं ही चुन लो। सुग्रीव उस दिन दुम दबाकर भाग गया था,
आज हमारे सामने आते तुम्हें लाज नहीं आती? जाओ, रावण से युद्ध करना तुम्हारा काम नहीं। वह वनवासी कहा है राम, सुना है उसे युद्ध करने की बड़ी आकांक्षा है, इसलिए आज हम स्वयं पहले ही दिन आ गए हैं कि इस युद्ध को हम खींचकर लंबा करना नहीं चाहते। इसमें केवल तुम्हारे जैसे बेचारे निर्दोष निरीह प्राणी जो उसके बहकावे में आकर लंका पर धावा करने चले आए हैं, बेचारे मुफ्त में मारे जाएंगे। इससे अच्छा यही है उसे बाहर निकालो, जिससे उसकी युद्ध की अभिलाषा भी पूरी हो जाए और हम इस दुष्टता के बदले उसे प्राण दंड भी दे सके, जिससे लंका की ओर आंख उठाने का साहस फिर और कोई भी न कर सके। यह तुमसे किसने कह दिया कि कोई भी राह चलता दुराचारी चोर जब चाहे श्री राम प्रभु के दर्शन कर सकता है? शट, तुम तो उनके हाथों दंड पाने के योग्य भी नहीं हो। यह काम भी हमें ही करना पड़ेगा। एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो? तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं पता। तुम्हें रणभूमि में किसने भेज दिया? जाओ, युद्ध धर्म की शिक्षा लेकर आओ। जो रणभूमि में आ गया वह हर प्रकार से युद्ध करने योग्य हो जाता है। राक्षस वीरों का यही धर्म है। हम इन मानवीय भावनाओं की निर्बलता में नहीं फंसते। युद्ध का एक ही लक्ष्य है, जीत, वो किसी प्रकार भी हो। तुम ठीक कहते हो, नियम नीति धर्म इन सब बातों से तुम जैसे लंपट दुराचारी का क्या रिश्ता? ये तो सभ्य लोगों की बातें हैं, तुम जैसे असभ्य जानवरों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम्हारी गाली का उत्तर मेरा ये पैना बाण देगा। ऐसा पापी व दुराचारी जब निरुत्तर हो जाता है तो केवल शस्त्र का ही सहारा लेता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है, क्योंकि तुम विवेक धर्म और नीति की भाषा नहीं समझ सकते। ये पांडित्य की बातें किसी ऋषि मुनि को जाकर सुनाओ। रणभूमि में आए हो तो बातें करो शस्त्रों की झंकार से। शस्त्र ही प्रश्न पूछे, शस्त्र ही उसका उत्तर दे, यही नियम है यहाँ का। जाइए प्रभु, आपके बिना उसका सामना कौन कर सकता है? वो अकेला ही हमारे अनेक योद्धाओं को मारकर हमारी सेना की बड़ी क्षति कर सकता है। युद्ध के पहले दिन ही यदि शत्रु का इस प्रकार प्रभाव बढ़ जाए तो अपनी सेना के मनोबल की हानि होती है।
वाह, रावण के पैर भी डगमगा दिए, कोई बात है, एक अवसर हमें भी दीजिए। जय श्री राम। वाह रावण वाह, जय श्री राम। भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया, तुम परम शक्तिशाली हो। परंतु कितनी दुख की बात है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तुमने अधर्म के कार्यों में किया और इस दुर्दशा को पहुंच गए। दुर्दशा? किसकी दुर्दशा, हमारी या तुम्हारी? तुम्हारी। एक वन वन भटकते हुए वनवासी को स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठे हुए त्रिभुवन विजयी लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई दे रही है। राम, तुम अपनी वाक पटुता के जादू से इन अज्ञानी वानरों को भरमा सकते हो, रावण को नहीं। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है, भक्त अनपढ़ हो मूर्ख हो परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है, परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म और कपट होता है उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है, इस समय तुम्हारे हृदय में केवल अशांति, चिंता और एक तड़प रह गई है और कुछ नहीं। तेरे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, परंतु उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है, तुम्हारा अंत आ चुका है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है और तुम उस अशांति की तड़प, पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी नहीं मानता। रावण, इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है। राम, सुना था कि रघुवंशी बड़े वीर होते हैं, परंतु तुम्हें देखकर वह धारणा दूर हो गई। तुम तो किसी राजा के दरबार में बिरदावली सुनाने वाले भांडो और पंडितों की भांति कोई बेशक लगते हो। अरे जो वीर होते हैं वह धनुष बाण से बात करते हैं, जबान से नहीं। और ये कंधे पर जो धनुष रखा हुआ है ना, वह कोई शोभा की वस्तु नहीं होता, उससे तीर चलाए जाते हैं ऐसे।
रावण, केवल पार्श्विक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति कोई धर्म नहीं होता, हमारे यहां युद्ध का भी धर्म होता है। हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो, इसी का नाम है दुर्दशा। किया नहीं शीश को केवल शस्त्र विहीन आन बान अभिमान सब लिए राम ने छीन। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। आता है ऊंट पहाड़ तले।
जाओ, हमारे विशेष संदेश वाहकों को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। इस युद्ध में समस्त राक्षस शक्तियों का एकत्रित होना आवश्यक है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस धरती पर जहां जहां राक्षस शक्तियां हैं वे सब एकजुट होकर इस समय लंका की सहायता के लिए आ जाएं। शार्दुल, महामेघ, तुम माया के परों पर उड़कर आठों दिशाओं में जाओ। सातों द्वीपों में, कठोर पर्वतों पे, पाताल की कंदराओं में, चक्रवाल गिरी के ऊपर, सर्वत्र जहां जहां राक्षस शक्तियां हैं उन्हें लंकेश्वर का आवाहन सुना दो कि आज समस्त राक्षस जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आज असुरी शक्ति इस वानर सेना का मुकाबला भी न कर सकी तो उन्हें इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए युद्ध के लिए सुसज्जित होकर सबको लंका में एकत्रित हो जाना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम नाना जी। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, क्या बात है तात? तुम्हारे गात्र शिथिल हो रहे हैं, तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता के मेघ मंडरा रहे हैं, तुम्हारे विशाल नेत्रों में निराशा की उदासी झिलमिला रही है। नाना जी, आप हम पर व्यंग कसने आए हैं, हमारा उपहास करने आए हैं। ये कैसी बात कर रहे हो लंकेश? तो फिर वही बात कहने आए हैं कि सीता को लेकर राम की चरणों में जा गिरूं? नहीं, अब वो बात कहने का समय नहीं है। हाँ वत्स, युद्ध को रोकने के लिए मेरा वो परामर्श उसी समय उचित था, परंतु अब युद्ध आरंभ हो गया है। अब मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे लंकेश के यश को धब्बा लगे। अब तो शूरवीर की भांति लड़ना होगा। अब या तो सीता को लंका की महारानी बनाओगे या शूरवीर की भांति अपना मस्तक रणचंडी के चरणों में चढ़ा दोगे। शूरवीर की भांति मरना भी पुरुष की एक शान है। तुम मेरे बालक हो, मैंने गोदी में खिलाया है तुम्हें, सदा तुम्हारी उन्नति, समृद्धि और कीर्ति की शुभकामना की है। तुम इस पृथ्वी पर असुरों के शिरमौर हो, तुम्हारा मस्तक झुक जाएगा तो इस भूमि पर राक्षसों को सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। मैं ये पूछने आया हूं, तुम इतने हतोत्साहित क्यों हो गए? उत्साह ही नहीं हुआ नाना जी, विचाराधीन हो गया हूं। किस विचार में खो गए हो वत्स? जितना सरल समझा था उतना सरल नहीं है शत्रु का पार पाना। नाना जी, शत्रु प्रबल है। तुम स्वयं प्रबल से प्रबलतम भीषण विप्लव हो दशानन। तुमने इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र का सामना किया है लंकेश। यही तो विचार करने की बात है नाना जी, उस वनवासी राम का बाण जब कमान पर चढ़ता है तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देता है, और जब धनुष से छूटता है तब सहस्त्रमुख विष्णु के समान हो जाता है, और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समान प्रलयंकारी बन जाता है। नाना जी, हमने इंद्र के कुलिश, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा है, परंतु उनके और राम के बाणों में अगाध भेद है। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती, तो फिर इन चर्म चक्षुओं से कैसे दिखाई देंगे? मानो तीनों लोकों की शक्तियां उसमें समा गई हो। आज उसने हमसे युद्ध नहीं किया, केवल हमारा उपहास किया है, जैसे कोई बालक के साथ खिलवाड़ करके उसे भगा दे। ये तो और अच्छा हुआ,
पहले दिन ही तुमने शत्रु की थाह पा ली। तात, पहली विजय को अंतिम विजय मत समझो और पराजय के पहले झोंके को अंत तक पराजय मत मानो। शत्रु के बलाबल शक्ति संचित करके युद्ध करो। इसीलिए तो हमने आठों दिशाओं में राक्षस जाति को एकत्रित करने के लिए दूत भेज दिए हैं। और कहीं दूत भेजने की क्या आवश्यकता है, जबकि परम शक्तिशाली तुम्हारा भाई कुंभकर्ण तुम्हारे घर में ही सोया है। यही अवसर है, उसे जगाओ। वानर सेना के लिए वो अकेला ही काफी है, जगाओ उसे। आश्चर्य की बात है, आज तक ये बात हमारी दृष्टि में क्यों नहीं आई। नाना जी, आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। नायक विरूपाक्ष, जाओ कुंभकर्ण की शयन कंदरा में जाओ, उसे जगाओ और उसे लंकेश्वर का संदेश सुनाओ। आज लंका को कुंभकर्ण की आवश्यकता आन पड़ी है, जाओ। जो आज्ञा महाराज। सीते, सीते, वो दिन आ गया है पुत्री, जब तेरी मन मंदिर में विराजमान मूर्ति तेरे सामने साकार विराज रही होगी। सपने ही सपने, कब तक दिखाओगी माता? सपना सत्य होने की भूमिका तो युद्ध के पहले दिन से ही बन गई थी मेरी रानी। युद्ध शुरू हो गया है? कहा जाता है कि पहले मारे वही वीर, आज वही सत्य हुआ है। पहले ही दिन उन वानरों को तुच्छ समझने वाले खमंडी राक्षसों के वीरों को श्री राम की सेना ने परास्त कर दिया है। सच? और क्या समाचार है युद्ध के? मेरे रघुनाथ कैसे हैं? देवजी लक्ष्मण को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? क्षति तो केवल उनके शत्रुओं के भाग में आई है सीते। सुना है कि श्री रघुनाथ के तीखे तीर वाणी की गति से तेज, बिजली की चमक से बढ़कर उसे चकाचौंध करने वाले थे। सुर, असुर, देव, दानव, शत्रु, मित्र सब उसे चकित होकर देख रहे थे। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पृथ्वी पर, आकाश में, चारों ओर श्री राम की सेना ही थी। इसका प्रभाव पापी रावण पर कब पड़ेगा? पड़ चुका है। पहले ही दिन तेरे परमवीर पति ने उसे निशस्त्र करके युद्ध की भूमि में सबके सामने अपमानित करके भेजा है, ये कहकर कि निशस्त्र पर हम रघुवंशी वार नहीं करते। जा, कल फिर आना। फिर क्या, वो एक घायल सर्प की भांति तड़प रहा है, उसका मनोबल टूट गया है और मैंने सुना है कि वो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाना चाहता है। उसको
जगाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु हो सुदशरथ अजिर बिहारी। Bye.